जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जब हम दुकान में कोई सामान खरीदने जाते हैं या फिर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो वहां पर क्यूआर कोड लगा होता है। आप चाहें तो पेजैप एप्लीकेशन से ही उस क्यूआर कोड को स्कैन करके बिल का पेमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि पेजैप एप्लीकेशन से क्यूआर कोड स्कैन करके बिल का पेमेंट कैसे करते हैं, पेजैप में अपना नया अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाकर अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक पेजैप में अकाउंट नहीं बनाया है तो उस वीडियो को देखकर बड़ी आसानी से मात्र 5 मिनट के अंदर पेजैप एप्लीकेशन में अकाउंट बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में पेजैप एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और उसमें पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाएंगे। वैसे तो इसके डैशबोर्ड पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके बिल का पेमेंट करना है। तो इसके लिए यहाँ ऊपर में देखिए एक ऑप्शन है स्कैन क्यूआर कोड टू पे, इसी पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही हम स्कैन क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि देखिए दुकान में इसी तरीके का क्यूआर कोड लगा होता है, तो हमें क्या करना है कि इसे इस तरीके से स्कैन कर लेना है। जैसे ही हम पेजैप एप्लीकेशन से इसे इस तरीके से स्कैन करेंगे तो वो क्यूआर कोड जिस भी दुकान का होगा उसका नाम तथा उसका यूपीआई आईडी दोनों यहाँ ऊपर में दिखाई देगा और यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट डालने का ऑप्शन। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए केवल 1 रुपया यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, आपको जितना भी पैसा ट्रांसफर करना है उतना यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ दिया है पे यूजिंग, यहाँ पर हमारा HDFC बैंक का अकाउंट नंबर शो हो रहा है। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे HDFC बैंक अकाउंट के साथ साथ एक और हमारा बैंक अकाउंट शो हो रहा है जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। हम चाहें तो इससे भी इसका पेमेंट कर सकते हैं, और यदि हम चाहें तो यहाँ देखिए दिया है एड बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड, इस पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट या फिर रुपये क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से भी इसके बिल का पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपने इसी HDFC बैंक अकाउंट से इस बिल का पेमेंट करूंगा, तो यहाँ जो लिखा है पे इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ डालना है यूपीआई पिन, यूपीआई पिन डालने के बाद यहाँ राइट के निशान पे क्लिक करना है, थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे। देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे ऊपर में ग्रीन टिक लग गया है, यहाँ नीचे अमाउंट शो हो रहा है और यहाँ दिया है पे टू दुकानदार का नाम है, यहाँ नीचे दिया है व्यू बैलेंस, इस पर क्लिक करके हम चाहें तो अपने अकाउंट का बैलेंस यहाँ से चेक कर सकते हैं कि पेमेंट करने के बाद अभी हमारे अकाउंट का कितना बैलेंस बचा है। देख सकते हैं हमारे इस अकाउंट का बैलेंस अभी बचा है 5,088 रुपया 42 पैसा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी पेजैप एप्लीकेशन से किसी क्यूआर कोड को स्कैन करके बड़ी आसानी से बिल का पेमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।